हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं मिक्स वेज बनाने वाली हूँ। देखिए, बीन्स है, सोयाबीन है, आलू है, शिमला मिर्च है, फूलगोभी, गाजर, सबको मिला के मैं बनाने वाली हूँ। तो मैंने सारे चीज़ों को काट लिया है, देखिए इस तरीके से। उसके बाद मैंने कढ़ाई पे तेल लिया सरसों का, 4 से 5 साबुत लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ता, आधा चम्मच जीरा, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, लहसुन बारीक कटा हुआ, 1 प्याज लंबे कटे हुए। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए भून लूँगी अच्छे तरीके से, हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक। मैंने भून लिया इसे। भूनने के बाद में मैंने इसमें 2 टमाटर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो ना डालें तो भी स्वादिष्ट बनेगी। फिर मैंने बेसिक मसाले ऐड किए हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से गरम मसाले। उसके बाद 1 से 2 मिनट भुनने के बाद मैंने सब्जियां डाल दी हैं। सारी सब्जियों को हम डाल देंगे इस तरीके से। डाल दिया मैंने। अब इसे हम रट लेंगे, मतलब भून लेंगे, चारों तरफ से मिला लेंगे अच्छे तरीके से। मिलाने के बाद में इसे मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद हम इसे ढक देंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, सूखी बनेगी ये, सूखी बना रही हूँ मैं। अब इसे भूनना है धीमे आंच में करके, ज़्यादा तेज फ्लेम पे ना रखें तो ये जल जाएगी और कच्ची रह जाएगी। लो फ्लेम पे बनाएंगे इसे हम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी रेसिपी और वीडियो आप सब तक पहुंच सके। लास्ट में मैंने इसमें नींबू डाला है, अमचूर था नहीं, तो आप अमचूर पाउडर ज़रूर डालिए लास्ट में, इससे स्वादिष्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैंने लास्ट में धनिया ऐड किया, धनिया से गार्निश किया है। तो मेरी मिक्स वेज की सब्जी रेडी हो गई है, आप लोग भी ट्राई करें। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने सर्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।